दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर मनाया जाता है और यह क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज से करीब 2000 साल पहले कि आखिर ईस्टर क्यों मनाया जाता है। ईस्टर का माने होता है रिसरेक्शन, यानी दोबारा से जागना। जैसा कि क्रिश्चियंस मानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके 3 रोज बाद वो दोबारा से पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए इस दिन को ईस्टर कहा जाता है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के दोबारा से पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिनों तक वह लोगों के बीच रहे और फिर उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए। ईस्टर में एक बात और भी है कि जैसे हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ईस्टर को सेलिब्रेट करने का कोई भी फिक्स डेट नहीं है। वो हर साल आगे पीछे होते रहता है। इसकी वजह है फुल मून, यानी कि हर साल 22 मार्च के बाद जो पहला फुल मून होता है, उसके बाद जो पहला संडे होता है, उसी रोज ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। और ईस्टर हमेशा मार्च और अप्रैल में ही मनाया जाता है। ईस्टर का जो पूरा वीक होता है वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। ईस्टर से पहले जो संडे होता है, उस संडे को पाम संडे कहा जाता है। और उसी तरह ईस्टर और पाम संडे के बीच जितना भी दिन होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। और इन सब दिनों का अलग अलग नाम अलग अलग चीजों की वजह से रखा गया है। ईस्टर के रोज लोग पूजा करते हैं और चर्च को अच्छी तरह से सजाते हैं और फिर व्रत भी रखते हैं। इस रोज लोग चर्च में मोमबत्तियां जलाकर इबादत करते हैं। ईस्टर में एक बहुत ही ज्यादा खास चीज होता है, वो है ईस्टर एग। अगर ये ना हो तो ईस्टर सेलिब्रेट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग एग को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। वह ये मानते हैं कि एक अंडा अच्छे चीज की शुरुआत कर सकता है। वह ईस्टर में अंडे को सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। वह तरह तरह की रंग और डिजाइन से अंडे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा सजाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स में देते हैं।